क्या बिजली को लेकर क्या समस्या हो रही है? अरे बिजली का समस्या ये है, बिजली अलग से हटाना चाहते हैं, समझे? तीन तीन हमको बच्चा है, हम एक पति हमको है, तीन आदमी फैमिली है, तीन आदमी फैमिली में कोई मर जाता तो सरकार इस लेता चाहे बिजली इस लेता ना नहीं लेता, इसीलिए हम चाहते हैं सलंग से लाइन हटाने के लिए चाहते हैं, सलाइन नहीं रहेगा घर के पीछे। तो क्या बोला गया है यहाँ पे पदाधिकारी क्या बोले? बोला कि लाइन जोड़ाएगा, हम लोग चाहते हैं औरत में चाहते कि नहीं रहेगा लंग लाइन। इलाके चार बार हो गए, चार बार की हो गया है लाइन लंग से जाती, लिखित कितना बार चल गया है, लिखित के कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और हटाने के लिए कितना प्रक्रिया कर रहा है, कोई नहीं हटाने के लिए राजी है। अफसर लोग बोल रहा है कि नहीं इसी में आया जाएगा, रोड है उधर बगल में, उसमें नहीं लेके जा रहे हैं, ठीक है ना? कितना दिन से गिरा हुआ है ये? लगभग तीन दिन से गिरा हुआ है, 12 बजे रात में लाइन गिर गया। ये कैसे गिरा है? पेड़ में लगने से, देखिए वहाँ, वहाँ ले चलिए कैमरा, मोबाइल वहाँ लेके चलिए, वहाँ दिखाते हैं कैसे गिरा है। पेड़ जला हुआ है। कितना घर होगा लगभग? कितना घर है लगभग? घर जनसंख्या तो बहुत है, 15-20 घर है। घर पे गिर जाता बाल बच्चा लेके 12 बजे रात। इधर से पोल हटवाइए, इधर से तार नहीं टांगने देंगे, बस बात जानते हैं। नहीं जाएगा आज आप लोग के, आप लोग सूझ रहा है ठंड से चल जाइएगा, भूल जाइएगा आप लोग। कितना घर मामला ये है कि यहाँ से लोग के मांग है कि एक फीडर को मतलब अन्य जगह विस्थापित करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर है कि हम लोग का ब्लॉक कैंपस में नया PSS बन रहा है जिसमें बहुत सारा फीडर निकलेगा। इस फीडर को मान ली कि इसका वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर हम लोग नए सिरे से इसका सर्वे करके इसको विस्थापित करने का वह प्रतिक्रिया जाएगा। हम ना उच्च अधिकारियों से बात करके लोगों की समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है? इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है समय सीमा के अंदर करेंगे, इसको करवा दिया जाएगा। कितने महीने में हो जाएगा सर, कोई अंदाजा? तीन महीना का समय दिया गया है, मान ली कि सरकारी काम है, हम लोग अपना स्तर से प्रयास करेंगे कि समय पर जो है अंदर करा दिया जाए।